बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कढ़ाई कबाब बनाना सिखा रही हूँ, इसको हांडी कबाब भी कहते हैं। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देख लेते हैं। इसके टू स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन में हम इसके कबाब रेडी करेंगे और स्टेप नंबर टू में इसका मसाला रेडी करेंगे। स्टेप नंबर वन के लिए मैंने 1 किलो कीमा ले लिया, 2 मीडियम साइज़ अनियन को फाइनली चॉप कर लिया, 1 घटी हरा धनिया ले लिया और 4 से 5 ग्रीन चिलीज, इसको मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। 1 एग जाएगा इसमें और 1 ब्रेड का पीस मैंने इसको क्रश करके इसको थोड़े से दूध में डिप कर दिया है। बेसन 5 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, यानी कि तवे पे ऐसे भून लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ मैं और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही मैं ड्राई रोस्टेड क्यूमिन सीड एंड कोरिएंडर सीड है ये, यानी कि सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने क्रश कर लिया। इसके अलावा स्टेप टू में मैंने 4 मीडियम साइज़ अनियन को फाइनली चॉप कर लिया है, 5 मीडियम साइज़ टोमेटो का पेस्ट बना लिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, 1/2 कप योगर्ट, इसके अंदर मैं बीफ क्यूब्स यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना करना चाहें तो आप सॉल्ट की क्वान्टिटी इंक्रीज़ कर दीजिएगा। इसके अलावा जुलियन कट जिंजर और हरी मिर्चें, ड्राई स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया क्योंकि ऑलरेडी इस क्यूब्स में भी सॉल्ट होता है, तो इसलिए मैं बाद में टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं ऐड कर दूँगी। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून ड्राई रोस्टेड क्यूमिन एंड कोरिएंडर, ये क्रश्ड हैं। इसके अलावा ड्राई फेनुग्रीक लीव्स यूज़ कर रही हूँ यानी कि कसूरी मेथी। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको कैसे रेडी करना है। यहाँ पे मैंने एक बाउल में कीमा ऐड कर दिया है, इसमें स्टेप वन की सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम ऐड कर देंगे। ये मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेड चिली पाउडर, ड्राई रोस्टेड क्यूमिन एंड कोरिएंडर क्रश, गरम मसाला पाउडर और ये बेसन, ये हमने ब्रेड दूध में डिप की थी, इससे बहुत अच्छे सॉफ्ट जो कबाब रेडी होते हैं। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ग्रीन कोरिएंडर, एग, और जो हमने फाइनली चॉप अनियन किए थे और चिली पेस्ट, इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके कबाब बना लेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। कीमे में तमाम मसाला मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, अब हम अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कबाब बना लेंगे। आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, लंबाई में या फिर ओवल में, जो आपका दिल करे। थोड़े से आप इसको लंबे बनाइएगा अगर आप लंबे बना रहे हैं शेप, क्योंकि ये जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये सुखर भी जाएंगे और थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो इसी तरह ये देखें, सारे कबाब मैं रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। सब कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, अब इसके अंदर मैं कबाब डालूँगी। इसकी साइड चेंज करेंगे, ये कबाब बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं अगर आप मसाला ना बनाना चाहें तो।
कबाब रेडी हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसमें बाकी के भी कबाब डाल के इसको रेडी कर लूँगी। और साथ ही वहाँ पे दूसरी साइड पे हम मसाला रेडी कर लेंगे इसका। जब तक वहाँ पे कबाब रेडी हो रहे हैं, हम यहाँ पे इसका मसाला रेडी कर लेंगे। हाफ कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर अब मैं अनियंस ऐड कर रही हूँ और इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी। अनियन हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इस टाइम पे जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें मैं मान रही हूँ और इसको बस 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें मैं मान रही हूँ ये टमाटोज चले गए बीच में। और ये जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे सिवाय कसूरी मेथी के, मैंने वो निकाल ली और ये सब इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये कबाब सब रेडी हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर कोल का स्टीम दूंगी। मैंने कोल को गर्म कर लिया है और मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूंगी और इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दूंगी। और ये तब तक हम कवर करके रखेंगे जब तक कि ये स्टीम आ नहीं रुक जाएगी। इसमें इसको मैंने कवर भी कर दिया ताकि जो कोल की जितनी भी स्टीम है अच्छे तरीके से कबाबों के अंदर मिक्स हो जाए और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी कबाब को। मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको पीस लिया था मैंने और ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस टाइम पे इसके अंदर हम योगर्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसको बस 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लेंगे मिक्स करके और फिर इसके बाद इसके अंदर कबाब ऐड करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि जितना मुझे मसाला चाहिए मैंने उतना रख लिया है। अब इसके अंदर कबाब ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तरफ अच्छे तरीके से आप फैला दें और यहाँ पे जो कसूरी मेथी हमने रखी थी उसको हाथों से क्रश कर लेंगे और इस पर फैला देंगे। ग्रीन चिलीज और जुलियन कट ये जिंजर था ये मैं डाल दूंगी इसमें। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लूंगी और थोड़ा सा ये हरा धनिया ये ऐड कर दिया मैंने। आग मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है और इसको मैं थोड़ी देर दम दूंगी जब तक ये ऑयल ऊपर आ जाए। और आपने इसको इसके अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं मारना वरना इसमें जो कबाब हैं वो टूट जाएंगे। आप बस इसको देची को पकड़ के ऐसे इसको मूव करें, अगर ये सब कबाब ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। बस इस तरह आपने करना है, अंदर चमचा भी फिलहाल बिल्कुल नहीं मारना। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारे कढ़ाई कबाब रेडी हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई कबाब रेडी हैं। जाने से पहले आपसे हदीस पाक शेयर करती चलूँ। ये हदीस सही बुखारी से ली गई है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई अपनी नींद से बेदार होकर वजू करे तो ज़रूर 3 मरतबा नाक झाड़ ले, इसलिए कि शैतान इसकी नाक के बांसे में रात गुजारता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।